जौनपुर के जलाल थाना क्षेत्र के लहंगपुर गांव के पास नेशनल हाईवे पर दर्दनाक सड़क हादसा हुआ, जहां ट्रक और पिकअप की आमने सामने जोरदार भिड़ंत हो गई। हादसे में पिकअप सवार एक ही परिवार के 6 लोगों की मौत हो गई, जबकि 11 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। बताया जा रहा है कि परिवार के 17 लोग पिकअप पर सवार होकर दाह संस्कार के लिए वाराणसी स्थित मणिकर्णिका घाट गए थे, जहां से दाह संस्कार के बाद वापस गांव की तरफ आ रहे थे। जैसे ही पिकअप जलालपुर थाना क्षेत्र के लहंगपुर गांव के पास पहुंची, सामने से आ रहे ट्रक से भिड़ंत हो गई, जिसके बाद लोगों में चीख पुकार मच गई। आनन फानन में घायलों को जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां गंभीर रूप से घायल एक युवक को एम्बुलेंस से ट्रॉमा सेंटर वाराणसी ले जाया गया। जनपद जौनपुर में बनारस से अंतिम संस्कार करके लौट रहे थे, गांव जलालपुर गांव के लोग थे, पिकअप गाड़ी से लौट रहे थे और रात में लगभग 3 बजे के आसपास ट्रक से भिड़ंत हो गई। मौके पर ही 5 लोगों की डेथ हो गई और एक व्यक्ति की हॉस्पिटल ले जाते समय डेथ हो गई है। बाकी लोग जो हैं उनका ट्रीटमेंट हम लोग कर रहे हैं, बाकी सभी तो ठीक हैं। एक व्यक्ति थोड़ा सा क्रिटिकल है, उसको हम लोगों ने बनारस रेफर कर दिया है। परिवारजनों से मुलाकात हो गई है, बहुत ही दुखद ये क्षण है, 6 लोगों की एक साथ मृत्यु हो जाना। इसमें जो भी उचित कार्रवाई है मदद है वो हम लोग कर रहे हैं। बाकी जो ट्रक है और गाड़ी है जिससे एक्सीडेंट हुआ था, उस सबको कब्जे में ले लिया गया है। ड्राइवर अभी नहीं मिल पाया है, उसकी भी तलाश हम लोग कर रहे हैं। कैसे हुई घटना, इसका पूरा हम लोग डिटेल निकाल रहे हैं। वहीं हादसे की जानकारी मिलते ही डीएम मनीष वर्मा, एएसपी राजकरण नायर समेत पुलिस फोर्स जिला अस्पताल पहुंची। यहां डीएम ने घायलों का हाल जाना, साथ ही उनके बेहतर इलाज के लिए स्वास्थ्य विभाग को निर्देशित भी किया। फिलहाल पुलिस ने शवों को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है और आगे की कार्रवाई की जा रही है। पंजाब केसरी टीवी के लिए जौनपुर से जावेद अहमद की रिपोर्ट।